जैसा निरहुआ का कोई डायलॉग है जिसमें आप पिता का रोल किए होंगे, डांट डपेट वाला होगा, चाहे शायद हिंदुस्तानी में था ना एक कहानी अमर पाली जो। नहीं हाँ ब्याह के लिए तो संगनी तुर दे, हाँ बोलता है कि तू ये कर ला, हम कर ली तो जाने कैसे औलाद पैदा कर रही। उसे के सारी के पिता कच्चे धागे पे बोलेगी तोरा जगह पे अगर कोनो लोहा के जरूरत दे रहा हो ऐसे रहना तो कम से कम मसाला पीसे में काम हो। कथा हाँ कह रहे थे कि अब कलाकारों की बात हो गई, हीरोइने, काफी हीरोइन के साथ आप काम किए होंगे, अक्षरा सिंह के साथ काम किए, अक्षरा पहली बार मेरे साथ ही काम किया, सिंह, मेरा ही बेटी बड़ी थी। अक्षरा सिंह आपकी बेटी बनी थी, तो हाँ अक्षरा सिंह कुछ खाल खबर ले रही है हाल खबर? क्यों नहीं भाई, उतनी भी फोन की थी बेचारी। अच्छा, हाँ अमर पाली दुबे के साथ भी कई ऐसे फिल्में हैं आपकी, तो अमर पाली जी कुछ खाल खबर ले रहे हैं? बहुत बहुत फोन करती है। हाँ अमर पाली जी फोन करती हैं? अच्छा, क्या पूछती हैं? तो क्या चीज की तकलीफ है चाचा, हम लोग हैं ना, खुल के बोलो ना। हम लोग बोला कुछ नहीं है, पैर का डैमेज हो गया, अभी माना तुम और क्या बोल सकता हूँ बेटा। कल आपके पास दिग्गज कलाकार, भोजपुरी के होनहार कलाकार मनोज सिंह टाइगर पहुंचे थे, सीमा सिंह जी थी जो नौटंकी क्या करते हैं उसको, कौन आइटम आइटम सॉन्ग करती है, उसके साथ बी आई विजेंदर कॉमेडी स्टार पहुंचे थे, उनके पति भी थे सीमा सिंह के, तमाम कलाकार पहुंचे थे, क्या कुछ आश्वासन मिला? यही रोने लगी बेचारी देख के, लपेट अच्छा, सीमा सिंह रोने लगी? के रोने लगी। वो छपाती याद लगा बोला कि चाचा आप इंडस्ट्री में इतने सालों से कभी आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाया, आप कैसे गिर गए? बोले भगवान का दिन, क्या करिएगा, डायबिटीज से बीपी है, क्या क्या है क्या बतावे आप, एक मीठा है मेरा वही सब चलाता है, अच्छा, वही है 8-9 महीना से बैठा हुआ है। अंत में पूछेंगे, जिस विधानसभा क्षेत्र में है ये पारू विधानसभा पड़ता है, यहाँ के विधायक माननीय अशोक कुमार सिंह है, जानते होंगे, अच्छी तरह से क्या जानते अशोक सिंह यहाँ के विधायक है तो कुछ कॉपरेशन कॉपरेट करते हैं? नहीं, हमें लोगों को बोले ही रहे आज तक विधायक जी को कभी नहीं बोले, क्योंकि कभी नहीं, पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं आपके विधायक है तो आप तो उनको विधायक मानते ही होंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई, जो बीजेपी को माने हैं, जो हिंदुस्तान के माने हैं, उसको हम कैसे नहीं मानेंगे। अच्छा, हाँ तो कुछ उनसे आप तक बात पहुंची या कभी बातचीत की या कभी आए हैं आपके घर पास? नहीं, मेरी लड़की की शादी में अब आए थे, अब रास्ता वास्ता किए गए तो होता है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी से, अशोक कुमार सिंह से? क्या कहेंगे आप, आपके विधायक हैं? भगवान करे खुश रहे, फिर अच्छा, खड़े फिर जीते, हाँ, भारी बहुमत से जीते, जय मोदी करे बस हो गया। आपके बगल के साहेबगंज के राजू सिंह जी है, कलाकारों से बहुत प्यार होता है राजू सिंह विधायक जी को, भाजपा के विधायक हैं, कलाकारों से खूब मोहब्बत करते हैं, अक्सर अक्सर चुनाव प्रचार में कलाकार को बुलाते रहते हैं, देखते भी हैं उनकी पोस्टों को, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? यही शायद कहेंगे, आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंची हो। एक आध लाख रुपया भेज दे खत्म है। एक आध भेज दे। और अच्छा, 3 साल से बैठे मेरे पास एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं है? नहीं है, सब चला कम से कम 6-7 लाख रुपया तो फिर गाड़िये में चला गया होगा ना रे बेटा, अच्छा, पटना तब मुजफ्फरपुर तक कहाँ तक कहाँ, डॉक्टर के पास दौड़ते दौड़ते, पर अभी भी देखे कि गाड़ी डॉक्टर के पास ही जाने के लगा हुआ, थक गया, पैसा नहीं थे होम्योपैथिक के डॉक्टर बोलते थे बताइए ना यहाँ क्या क्या नहीं, हवा मिले हेमापति कहाँ दिखाते हैं आप? मंसूरपुर, आप फुलवरिया में कहीं दिखाते हैं? सबसे है यहाँ से, ठीक है यहाँ से बेहतर है, बाप रे हवा लग गया था, उल्टी हो गया था, हवा अच्छी कर दिए हो, हाँ समस्तीपुर जाने की जरूरत नहीं? नहीं मतलब आपने हेमापति दवा शूट करना है? वे क्या हुआ, 4 महीना से बंद कर दिए तो दूसरा कोई दवा नहीं खा के, मल्टीविटामिन
वो लाए थे तो वो कौन डॉक्टर से दिखाते हैं, क्या नाम है? मिया जी करके है, मिया जी। हाँ मुस्लिम है? हाँ मुस्लिम है, लेकिन पहले उनके फादर थे। हाँ अब उनके बेटा, अरे मिया जी बोलते हैं ना। हाँ, मिया बाबू। मिया बाबू, मिया बाबू तो बहुत अच्छे डॉक्टर है, तो पूछिए बस। आपके नियर बाई में एक कलाकार है मणि मेरा, सब लोग जानते होंगे, कभी आए वो बगल के ही है साहेबगंज। हम क्या जाने बेटा, आप मनी महाराज को नहीं जानते हैं? नहीं। क्योंकि आप यूट्यूब नहीं देखते होंगे। ये हम इसका क्या नाम है, विजेंद्र का। हाँ। वो भी बोलो आनंद मोड के चलते। हाँ, देख लेते हैं। लेकिन देखिए विजेंद्र अच्छा एक्टर है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप एक बार मनी महाराज को नहीं जानते तो एक बार देखिएगा, जो ग्राम ग्राम के एकांत एपिसोड देखा था मैं मनी महाराज का, तो उसमें कोई कैरेक्टर था, हमको मतलब तो समझता है कि हमको भोजपुरी तो का अश्लीलता से भी गया हुआ है। अच्छा, मतलब गाली गलौज आपको पसंद नहीं? नहीं, हमको बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप कोई भी चीज बने तो उसमें कुछ मैसेज हो सर, समाज पे क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल, ये बच्चे लोग मोबाइल देखते हैं, है कि नहीं? आप उसको लेकिन उनके गाने सुने हैं कभी? किसका? उनके मनी महाराज का। कभी चोली का इस्तेमाल नहीं किया, ढोरी का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब उनके गाने में थोड़ा भी दूर दूर तक अश्लीलता होता ही नहीं है। फिल्म भी अभी कर रहे हैं, वेलकम शूट होकर तैयार है। आप